अब आपने जाकर गैस लेकर आनी है भरवा के। गैस भरवा के लेकर आनी है क्यों? जी क्योंकि बच्चों से पूछवाया था मैंने, तो जब तक तो दुकान अभी तक खुली नहीं थी, अब देखें जाकर आप। चलो यार भरवा कर लेकर आते हैं सिलेंडर, ये देख रहे हो क्या ये करना। अबे भाई रश तो चेक करो यार, अल्लाह की कसम इतना रश नहीं। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? क्या उम्मीद है ये खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो भाई मॉर्निंग हो गई है हमारी, तो बस करते हैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट। क्या कर रही है मोम आप? कपड़े धो स्टे कर रही हो ना बेटे, आपको कोई काम है क्या? हाँ ना यार, तो कपड़ा आज आपने मशीन लगाई हुई थी? जी। अच्छा यार आज तो मैं लेट उठाऊँ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा लेट। अब आपने जाकर गैस लेकर आनी है भरवा के। गैस भरवा के लेकर आनी है क्यों? जी क्योंकि बच्चों से पूछवाया था मैंने, तो जब तक तो दुकान अभी तक खुली नहीं थी, अब देखें जाकर आप खुल गई हो तो। अबे यार तो अच्छा पहले खाना तो दे दें यार, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। चलते हैं यार, गैस तो खत्म हो गई, गैस भरवा कर लेकर आते हैं, फिर करते हैं आगे का ब्लॉग। अब ये रोज का गैस तो वैसी आती नहीं है हमारे यहाँ, ये रोज का है, मतलब चूल्हे के अंदर जो है ना वो गैस आती नहीं है, और सिलेंडर भी जो है ना अब हर दूसरे दिन जो है ना दो दिन बाद जाके भरवा कर लेकर आओ। अब या तो दुकान बंद होती है या तो दुकान पे जाओ तो लाइन है, मतलब ऐसा लगता है कि गैस जो है ना फ्री के अंदर बट रही है भाई, ये समझ लो ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। अभी जो है ना लंबी लाइन होती है ना उसके अंदर, तो मैं आके जो है ना मम्मा को बोलते रहूँ कि भाई दुकान ही बंद है उसकी, या तो उसके पास भी गैस खत्म हो। भाई उसके पास भी लोड शेडिंग चल रही है गैस की, ऐसे तो नहीं होता है। तो क्या करें भाई? सरमत बेटे आप, सरमत जाए बेटे आप गैस भरवा के लिए। नाश्ता जब भी तो दूंगी, गैस है नहीं बेटे, गैस आएगा तो होगा ना, आप सिलेंडर भरवा कर लाइए पहले फिर नाश्ता। यार ये देख रहे हो ये गैस वाले ये ना क्या क्या काम करवा रहे हैं। जब तक मैं जा रहा हूँ आप जो है तैयार करके रखे। क्या तैयार करके रखूं बेटे? चलो यार भरवा कर लेकर आते हैं सिलेंडर, ये देख रहे हो क्या ये करना। अबे भाई रश तो चेक करो, अल्लाह की कसम इतना रश। अबे चलते हैं भाई वापस चलते हैं। बेटे बहुत ध्यान से लगाना इसे हैं। हाँ यार पता है मेरे को, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज है बेटे, हाथ भी संभालिएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा जब मैं पहली दफा गैस भरवा के लेकर आया था ना, ये तकरीबन जब से गैस का मसला हो रहा है, तो गैस थी 180 रुपए किलो और आज गैस हो गई 240 रुपए किलो, मतलब पता चल गया ना कि जरूरत बढ़ गई है, तो पैसे भी बड़े आ रहे हैं। सही, क्या करें, जरूरत तो है ना बेटे। यही तो मसला है कि सबको, सब लोगों को ना पता है, वो लोग जानते हैं कि जरूरत है, लोगों ने लेनी है, चाहे 200 की तो 400 की तो लोग लेंगे, तो इस वजह से जो है ना। सही लगाए ना आपने। हाँ हाँ सही लगा दिया यार, अब नाश्ता बना दे अम्मा, कसम से बुरा हाल हुआ मेरा। अबे भाई मतलब एक घंटे से ज्यादा लग गया एक सिलेंडर भरवा के लाने में, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो है ना गैस बैठ रही है फ्री के अंदर, मतलब सैलानी खुला हुआ है गैस, गैस के लिए है ना, गैस स्टेशन नहीं है सैलानी है, तो यूटिलिटी स्टोर है। इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है ना, मत पूछो यार अल्लाह की कसम। नाश्ता कर लिया, मतलब एक घंटा लाइन में लगने के बाद जो है ना भूख भी डबल ट्रिपल हो गई थी, बस क्या बताएं कर लिया। भाई मेरी तो ना नींद पूरी नहीं हुई थी, मैं तो जा रहा हूँ वापस सोने के लिए, क्योंकि मैं जो ना थका हुआ भी हूँ, नींद भी मेरी सही से पूरी नहीं हुई थी, और आज ना कहीं जाना है, ना शूट पे जाना है, ना कहीं बाहर जाना है, तो बोरिंग हो रही है,
कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, सोते हैं, आपसे कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। मोम आपने कुछ बोलना है? गजब बेइज्जती है। तो भाई मोम ने कुछ नहीं बोलना, हम करते हैं व्लॉग एंड यहीं पर ही।